नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। आज हम आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल उससे आगे बताएंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक में देख सकते हैं। देखिए प्रश्न मैंने लिख लिया है, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर पर सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको एक बात बताई थी कि जैसे मान लीजिए ANG, तो इसका मतलब है A फॉर एयर और G फॉर ग्लास, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसका जो फॉर्मूला होता था वो कैसे बन जाता था कि वायु प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अगर मान लीजिए ANW है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अर्थात वायु प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो ऐसे ही सवाल को देखेंगे। देखिए अब हमारा अपवर्तनांक जो कांच का वो ng मान ले रहा है, ng तो = अब सूत्र क्या हो जाएगा, वायु प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए इसमें जो मान दिए हैं वो रख देंगे। हमें क्या निकालना है, अब मतलब कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो अपवर्तनांक का मान कितना दिया, 1.5 = वायु प्रकाश की चाल दिया 3×10^8 और बटे कांच में प्रकाश की चाल मान लो vg। तो देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दो, 3 से 5 बार कट गए और 5 से कितनी बार कट जाएंगे, 2 बार। तो vg यानी कांच में प्रकाश की चाल आएगी कितनी आएगी, 2 पैदल गुणा कर देंगे, 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। तो मैंने आपको बताया था कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या की होती है, माइनस की। तो सबसे पहले जो सवाल में दिया आप लिख लेंगे f = - का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, अर्थात जो बी का मान है वो कितना है, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है वो उधर ही बनता है, इधर वस्तु होती है, तो अर्थात बी का मान कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। बिंब लेंस से कितनी दूर है पर स्थित है, अर्थात यू का मान हमें निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, लेंस के सूत्र से 1/f = 1/b - 1/u से मान रख देंगे। 1/f का मान कितना है, -15 है, = 1/b का मान में, नहीं b का मान दिया है कितना है, -10, और -1/u का मान कितना है, निकाल लेंगे u का मान। ठीक है, अब देखो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे 1/u = -1/10। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, -1/10 और +1/15। इसको आगे हल करेंगे तो 1/u बराबर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो गया, 30 हो जाएगा एलसीएम। इसको हल करेंगे तो -3 + 2, तो 1/u बराबर कितना बचा, -1/30। तो u का मान कितना आएगा हमारा, -30 सेंटीमीटर। अर्थात सवाल कह रहा है कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, तो आंसर में हम क्या लिख देंगे कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है ना, तो इस तरह से सवाल को हम करते हैं। इससे अगली न्यूमेरिकल में अगली वाली वीडियो पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।